असम में फुटबॉल के बारे में बोलेगा तो सबसे पहला नाम आता है गिल्बर्ट संगमा। उनका पासिंग क्वालिटी, उनका रिसीविंग क्वालिटी, उनका पोजीशनिंग, उनका गोल जो प्लेसिंग गोल देता था। वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर्स गिल्बर्ट संगमा। इन असम फुटबॉल इज द मोस्ट वांटेड गेम एंड लव्ड गेम एंड गिल्बर्ट संगमा सो फार आई नो टू बी द आइकॉन ऑफ फुटबॉल। तो असम में तो उसको एक आइडल जैसा सम्मान देता है। खेलूंगा तो उसका जैसे ही खेलूंगा। गिल्बर्ट संगमा या फिर द मैन विद अ गोल्डन बूट एक ऐसे व्यक्ति है जिनके बिना असम के फुटबॉल इतिहास अधूरा है। कहते हैं द ह्यूमन फुट इज अ मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग एंड अ वर्क ऑफ आर्ट, और इसी इंजीनियरिंग और आर्ट का सही उपयोग करके ये फुटबॉलर बने लेजेंडरी फुटबॉलर। नमस्कार, मैं हूं नवेश और आप सभी का स्वागत करता हूं द चैलेंजर्स में। और आज के इस एपिसोड के जो गेस्ट है वो है मिस्टर गिल्बर्ट संगमा। तो चलिए एक काम करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज के गेस्ट के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर, आप हैं हमारे चैलेंजर्स, मैं हूं नवेश। गिल्बर्ट संगमा ऐसे एक खिलाड़ी है जो असम पुलिस फुटबॉल टीम को एक नए पहचान दिया, असम के जनता को फुटबॉल की तरफ आकर्षित किया, नेशनल टीम में भी खेलकर विदेशों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया एंड अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया। संतोष ट्रॉफी, बॉर्डोलोई ट्रॉफी, इंडिपेंडेंस कप जैसे प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलकर असम की फुटबॉल को एक शिखर की बुलंदी पर ले जाने वाला लेजेंडरी फुटबॉलर गिल्बर्ट संगमा। Sir, this is so incredible, a corner of your room, and I can see so much of trophies, cups, you know, shields, certificates, medals, mementos. Incredible, sir. ये इतना लोग अभी जो सामान देख रहे हैं जी, तो मेरे को जब किसी जगह में बुलाता है फैसिलिटेटर के लिए तो वही ज्यादा से ज्यादा याद पड़ता है। तो इसमें से खास है आपको अभी सामने बॉर्डर ट्रॉफी। यस ऑफ कोर्स, ये बॉर्डर ट्रॉफी दिस वन व्हिच एवरी फुटबॉलर फ्रॉम दिस रीजन एस्पायर फॉर। आई थिंक दिस इज समथिंग आई कैन से द मेक्का ऑफ ट्रॉफी फॉर एवरी फुटबॉलर फ्रॉम दिस रीजन। ये 1981 का है, बॉर्डर ट्रॉफी जीता हुआ है जी। बॉर्डर ट्रॉफी ये है आपको सुवेनियर बोलता है, और बॉर्डर ट्रॉफी के साथ एक ट्रॉफी देता है जी। वो मैंने लेके आया था, ये तो कैप्टन जो रहेगा वो ले सकता है, वो रख सकता है। okay. और दूसरा ये ट्रॉफी है इंडिपेंडेंस डे, नौगांव में जो होता है इंडिपेंडेंस डे कप टूर्नामेंट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसके बारे में जरूर कुछ हो, इंसिडेंट है या फिर यू नो मेमोरीज नॉस्टैल्जिया आपका कुछ? इंडिपेंडेंस कप खासतौर पर हम जितना साल खेला है असम पुलिस में तो शायद हम लोग 8 or 9 टाइम हम लोग इसको मिला है। हर साल हम लोग फाइनल जाता है वहाँ में जी। अगर बाहर का कोई टीम होगा शायद ऐसा भी होता है, कलकत्ता का टीम आता है ज्यादा उनका होता है, तो असम नेपाल जलंधर लीडर्स एवरीथिंग ऐसा टीम आता है उनका सर फाइनल खेलना। ये ट्रॉफी हम लोग ज्यादा से ज्यादा फाइनल खेला है। जो बॉर्डर ट्रॉफी है इसमें क्योंकि हम लोग को ज्यादा थोड़ा टेंशन भी होता है क्योंकि ये ट्रॉफी ज्यादा से ज्यादा बाहर चला जाता है। उस टाइम में तो कलकत्ता में चला जाता था ना, मोहन बगान को भी आता है तो ईस्ट बंगाल मैमदान ऐसा होता है बाहर, उसका मतलब अभी पोर्ट अथॉरिटी ऑफ बैंकॉक वो लोग भी आता है, वो भी लेके जाता है। लेकिन चैंपियन में हम लोग से 2 बार हुआ है, पहला है 72 उसके बाद 81। तो 83 में भी हम लोग फाइनल खेला था लेकिन हम रनर्स अप में बैठ गया है। बचपन से ही खेल कूद में रुचि रखने वाला गिल्बर्ट संगमा का जन्म 1954 में हुआ। उनके ये पैशन को एक गति मिला जब उन्होंने 1971 में असम पुलिस में ज्वाइन किया। वहीं से बॉर्डोलोई ट्रॉफी जो एक प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट है उसमें खेलने का मौका मिला, और यही नेहरू स्टेडियम से उनका एक नया जिंदगी का शुरुआत हुआ। सर, हमने नोटिस किया जब हम नेहरू स्टेडियम में आए और आपने जब इस फील्ड पे हम लोगों ने जब फर्स्ट वॉक फर्स्ट स्टेप दिया, आपने एक 360 डिग्री पैंड किया। आई नो इट्स एन इलेटेड फीलिंग व्हेनेवर यू कम टू योर ओन स्टेडियम, फिर भी हम जानना चाहेंगे आपका महसूस, आप हाउ डज इट फील? जी हाँ, अभी ये बहुत दिन के बाद नेहरू स्टेडियम में आए हैं आप लोगों के साथ, अंदर में आके देखा है
जो सिस्टम चल रहा है अभी, बच्चा लोग प्रैक्टिस कर रहा है क्रिकेट एक साइड में, बैटन प्लेयर एक साइड में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी ऐसा लगता है कभी अगर बॉल आ जाएगा तो एक लात मारने के लिए थोड़ा जी करता है। आपने फर्स्ट नेहरू स्टेडियम में आपने कब खेला, किस साल में, और उसके बारे में हमें बताइए जरूर। मेरा पहला नेहरू स्टेडियम का बोर्ड लेटिफिका खास तौर पर आया है 72 में, 72 क्योंकि 71 मैंने अपना नौकरी ज्वाइन किया है पुलिस में, तो 71 में भी फाइनल में हम लोग जीता था। मेन फुटबॉल हम स्टार्ट किया क्लास वन, तो 72 से हम स्टार्ट किया है गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम में। उसके बारे में बताएंगे जरूर हमारे दर्शकों को। 72 से मेन टीम में आ गया, तो उस टाइम में हम लोग देखा है क्योंकि हम लोग का असम पुलिस ऐसा एक टीम था जैसे कि गुवाहाटी में अगर आएगा कोई बॉर्डर टीम पार्टिसिपेट करने के लिए तो ऐसा होता है हम लोग एक ही टूर्नामेंट बाद दो टूर्नामेंट वापस जाना नहीं पड़ता है। जो जब क्वार्टर फाइनल में आता था तो बाहर का टीम के साथ हम लोग का टक्कर होता है, और असम में ऐसा कोई टीम नहीं था जो बाहर का टीम, जैसे कि शायद देवाशीष राय ने भी बोला होगा, मोहम्मदन में खेला, मोहन बगान खेला, ईस्ट बंगाल खेला, तो उनका साथ हम लोग का टक्कर अच्छा आता है, बहुत अच्छा होता है, कभी हारता है कभी ड्रॉ होता है कभी जीतता भी हूँ उन लोग का साथ। तो हम लोग हारने से यहाँ का जितना ऑडियंस स्पेक्टेटर लोग रहता है बैठे रहता है ना, बहुत अफसोस करता है वो लोग, क्योंकि असम पुलिस का खेल कल से हम लोग नहीं होगा, नहीं देखने नहीं पाएगा, इस साल में गया ऐसा होता है। असम की फुटबॉल लवर्स की दिल की धड़कन असम पुलिस फुटबॉल टीम 1981 में फिर से चैंपियन हुआ था, और वो पल अभी भी यादगार है। On behalf of Assam Police, he represented the Assam Police in Bordoli Trophy tournament held in Guwahati. Especially, I remember a game he played against Dempu Gua, but due to some physical tackling by the opponent team, he could not just steer into their D box. But the moment once he got the chance, he delivered that we call it that cycle kick. And he delivered from around 20 yards a cycle kick, and that penetrated the goalpost. And there was a thunder in the gallery, and what a gem of goal that was! Last में final में हम लोग गोवा डेम्पो से हम लोग final में जीता है 2-0 में। तो वो खेल कभी भी नहीं भूलूंगा क्योंकि वो हमारा life का सबसे अच्छा खेल था, जिसकी वजह से हम लोगों सभी को promotion मिला है। Sir, 1981 वो सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और बहुत ही ज़्यादा चेरिशेबल मोमेंट था, तो उस साल के बारे में, उस सन के बारे में, उस मैच के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हम लोग 71 का बाद 81 में हम लोग फिर चैंपियन हुआ है बॉर्डर ट्रॉफी। तो उस टाइम में हम लोग की टीम भी अच्छा ही था, बहुत अच्छा टीम था, क्योंकि हम लोग डिफीट किया है डेम्पो गोवा को, गोवा के साथ हम लोग फाइनल खेला था, तो हम लोग 2-0 से हम लोग तो विन हुआ है। तो उस टाइम में जैसे आदमी हुआ था, ये पूरा बाउंड्री गैलरी वो जगह नहीं है, तो भीतर में भी चेयर लगाया है अंदर में, तो फाइनल मैच में तो हम लोग तो आ गया ग्राउंड में आ गया, तो डेम्पो भी वो लोग भी आ गया। फर्स्ट सब हम लोग कम से कम मेरा ख्याल से 10-15 मिनट में हम लोग एक गोल स्कोर किया, वो भी एकदम जीरो एंगल से, हम एक शूटिंग लिया है तो सेकेंड पोस्ट में गिर गया, गोल हो गया वही फर्स्ट गोल। तो भी हमको ऐसा लगा ये तो एंगल नहीं है, यहाँ से तो गोल मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम वो शूटिंग कर दिया, तो एकदम सेकेंड हाफ पूरा पोस्ट का कॉर्नर में चला गया वो। अच्छा। तो फर्स्ट हाफ हम लोग जीत लिया, तो सेकेंड हाफ में दूसरा वाला पोस्ट में वो हमें एक गोल हमें किया है, मतलब टाइम भी ज़्यादा नहीं था तो हम लोग श्योर हो गया, तो हम लोग जीतेगा अभी चिंता नहीं, एक गोल होने से कभी भी दुख सकता है ना, तो दो गोल अभी तो मुश्किल है हम लोग को देने के लिए, तो उसमें समझ गया। तो उसका बाद में और गैलरी में देखने वाला ये था मोमेंट था ना, आप हम लोग भी थोड़ा फ्लैग, अपना फ्लैग था वो फ्लैग लेके पूरा चक्कर लगाया। ओके सर, आप मैच जीते उसके बाद जब वो ट्रॉफी रिसीव करते हो ना, दैट इज फॉर अ प्लेयर अ मोमेंट ऑफ एक्सिलरेशन, आई मीन ग्रेट फीलिंग, एग्जॉल्टेड फीलिंग, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जब हम लोग बॉर्डर टीम विनर हो गया तो कन्फर्म हो गया, तो लास्ट में हम लोग का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग का ये ट्रॉफी प्रदान किया था, हम लोग का CM था उस टाइम में, CM ने हम लोग को वो दिया है। नेक्स्ट डे फिर अपना हम लोग का साहब है DG, उस टाइम में DG था हम लोग का प्रदीप दास बोल के एक था एडिशनल डायरेक्टर, तो उसने सुबह हमको फ़ोन करके बुलाया है, संगमत तो आ जाओ कुछ काम है, तो सुबह में गया
पूरा पार्टी को ले गया अपने। अच्छा। तो सबको लेके गया है जाके, तो बरामदा में सबको रखे थे, तो हम थोड़ा बातचीत करके आते हैं क्या बोलेगा। तो बुलाया हमको गया है, तो फिर हाथ, फिर एक बार हाथ मिलाया तो बोला है, हाँ गिलबर्ट अभी क्या करेगा अभी, पता नहीं सर, आपका मर्जी है, क्या दे, क्या होने से अच्छा होगा। सर एटलीस्ट वन स्टेप प्रमोशन, लड़का लुक को अगर थोड़ा एनकरेज करने के लिए आपको दे दें तो अच्छा होगा टीम के लिए, और सब सीनियर प्लेयर है। तो बोला ठीक है, बुलाए पिए को, बुलाओ इधर उसको बुलाओ, तो सबका नाम बोलते बोलते और प्रमोशन देखे गया है, कोई हवलदार था उसको सब इंस्पेक्टर बनाया, कोई मतलब कंस्टेबल था, ऐसा सबको प्रमोशन दे दिया। तो लास्ट में बोला गिलबर्ट तेरा क्या हो गया अभी, बोला क्या होगा सर, हम तो ट्रॉफी दे दिया आपको, हो गया हमको, अब खेला है ट्रॉफी जीते आपको ट्रॉफी दे दिया, ये है सर ट्रॉफी। तो बोला सोच के सोच के, हाँ तो हम उस टाइम में हम सब इंस्पेक्टर था, तो ठीक है गिलबर्ट इंस्पेक्टर, हमको हम तो सोचा ही नहीं था ऐसा ये होगा आएगा बोल के, तो हमको भी प्रमोशन मिला इंस्पेक्टर उस टाइम। इंडिया का और एक फेमस टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी, जिसमें असम की तरफ से गिलबर्टसन सांगमा ने कई बार खेला और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। संतोष ट्रॉफी हम जो लास्ट खेला था, जो हम लोग का टीम था, कालिमुद्दीन गोलकीपर था, लाहौन राइट बैक था, परेश काकोती, सुबीर चौधरी, स्वाधीन डेका राजा, हाफ में खेलता था कल्याण बोरो, डम्बरू कनिकर, मोतीलाल दास, फॉरवर्ड में आम गिलबर्ट और अमल फुकन था। You know, apart from Bordoloi Trophy, another very vital thing is Santosh Trophy, right? And aap logo ne, I think you led the Assam team for Santosh, right? Uske baare mein sir, aur hum janna chahenge sir. Ji, maine pehla Santosh Trophy khela hai 1972 Goa. 1972 Goa. Goa. Okay. Uska next year hua tha Cochin, Kerala. To us time mein hum pehla gaya hai 72 mein, to hum khela hai. लेकिन फिर भी मेन टीम में हम नहीं था। okay. तो साथ में गया, तो 73 से हम कंटिन्यू खेला है, राजस्थान और एक कोई टीम था, दो टीम को हम लोग मारा था, लेकिन फिर भी ग्रुप में हम लोग जाने नहीं चला है। नेक्स्ट ईयर संतोष भी हुआ था जालंधर 74 में, दो तीन टीम का साथ हम लोग विन तो हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रुप में आया था, आने से भी ग्रुप में हम लोग मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। फिर उस टाइम में केरला कोई जगह में संतोष ट्रॉफी हुआ था, सिलेक्ट हुआ था, उस टाइम में असम का 7 प्लेयर सिलेक्ट हुआ था इंडिया ट्रायल गेम में, इतना अभी भी इतना रिकॉर्ड नहीं है, इतना लड़का सिलेक्ट हुआ था। तो गया है कोई कोई, क्या मैं तो नहीं गया, मेरा थोड़ा बॉडी में प्लास्टर हुआ था, तो हम जाने नहीं देंगे। तो ऐसे जगह कंटिन्यू मैंने 81-82 तक तो संतोष ट्रॉफी कंटिन्यू किया खेला है। गिलबर्टसन सांगमा 80s के खिलाड़ी थे, लेकिन उनका खेल वे अहेड ऑफ टाइम था, जो असम जैसी जगह के लिए सिग्निफिकेंट है। Gilbertson Sangma. The cunningness in dribbling technique used by Gilbertson Sangma is unique. He is one of the best dribblers of Assam. Gilbertson Sangma. उनका गेम जो है इसलिए अलग था कि उस जमाने में इतना ऊंचा सोच सिर्फ उन्होंने सोच रहा था। अभी जो मॉडर्न फुटबॉल है जो वांटस खेलता था, तो वही खेल वो उस जमाने में खेलता था। उसका जो मेन है उसका एक बैक बॉल ही था, वो फेमस था असम में, सब आदमी जानता है गिलबर्ट सांगमा, वो बैक बॉली मिलने से गोल होगा। 81 से 85 86 तक सबका साथ एक साथ में खेला, तो उनका जो गेम था, खेलने का जो स्टाइल था, तरीका, उनका जो टेक्निक था, वो बहुत ऊंचा था। His lack of height was compensated by his quick maneuvering. We can call him the Maradona of Assam. The technique of dribbling and quick maneuvering is employed by many players to get the ball from the opponents. But the player best in these techniques was Gilbertson Sangma. हम जो खेला खेलते हैं वन टस और टू टस, मैं बॉल लेके नहीं भागता हूँ, साथ ही बॉल जैसे भी आओ मैं उसको डिलीवर कर देता हूँ किसी को, तो लोग कोई डायरेक्शन में भागता है। बात एक नंबर बात ये है, और दूसरा बात ये है वो लोग को भी मालूम होता है जो हम साइड वॉली में हम फ्लाइंग करके साइड वॉली मारता है, और एक है बैक वॉली जो साइकिल वॉली बोलता है ना बोला है, वो दोनों हमारा खास था, हमारा प्लेयर को भी मालूम था, तो इसीलिए वो लोग उसी तरीके से हमको बॉल डालता है, कभी सक्सेस होता है कभी नहीं होता है। लेकिन एक बात यह है हम जितना वॉली मारेगा बैक वॉली मारेगा एक्यूरेट मारता था हम, वो दो बीच में तो बॉल जाएगा, कभी तो गोल भी हो जाता है, तो वो देखने के लिए आदमी ज़्यादा आता है, इसीलिए मेरा खेला ही ऐसे वन टस और टू टस हम खेलते हैं।
कई बार गिल्बर्टसन सांगमा इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुआ एंड विदेशों में भी अपना टैलेंट दिखाया. He got chance to represent our India in Asian Games in the year 1972, 74 and 75 in Tehran and Malaysia. He played. जलंधर में भी हमको फिर सिलेक्ट हुआ इंडियन टीम के लिए. तो फिर उस टाइम मैं मुंबई में चला गया. मुंबई में दो महीने हम कैंपिंग किया है. हम पूरा टीम में सिलेक्ट हो गया तो हम पहला चला गया इंडोनेशिया. ओके. मैदान बोल के एक जगह है वहां में ट्रॉफी है मारा हलीम फुटबॉल टूर्नामेंट. दैट वाज योर फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर. असम के फुटबॉल स्पेक्टेटर के लिए एक बहुत ही मेमोरेबल खेल था साउथ कोरिया का अगेंस्ट में असम का गोल जो सिर्फ गिल्बर्टसन सांगमा ही कर सकते थे. So yeah, 1976 was quite eventful a year for all your fans, followers and of course you as well. और उसी साल आपने कोरिया के जो हैंगयांग यूनिवर्सिटी उनको ही आश्चर्यचकित नहीं किया था, साथ में आपने अपने टीम को और अपने फैंस एंड फॉलोअर्स को भी किया था बिकॉज यू केम एज अ सरप्राइज प्लेयर एंड उस वक्त यू कैप्चर्ड द हेडलाइंस. जैसे कि हैंगयांग यूनिवर्सिटी जो टीम आता है वो लोग हर साल आता था दिल्ली में. अच्छा. दुरन और डीसीएम खेलने के लिए तो वहीं से वो लोग चले जाते हैं ट्रॉफी जीत कर. असली बात ये है इट लोग ने जितना बार आया है इंडिया में आया है डीसीएम दुरन एक भी गोल खाया नहीं है लोग. तो 76 में क्या हो गया, आपका होम मिनिस्टर था हम लोग का वो हितेश्वर सिंह के साथ था तो उसने इन्वाइट किया उन लोग को. एक हम लोग एग्जीबिशन मैच खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा अभी. तो उस टाइम में हम लोग शिलोंग में था इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल के. तो लास्ट में असम पुलिस का सिलेक्ट किया है. नहीं नहीं ठीक है अभी जैसा भी हो ये लोग को लेके आने से कम से कम तो लोग का पास थोड़ा स्ट्रेंथ स्टेमिना थोड़ा ज्यादा है जी. लेकिन स्किल थोड़ा कॉमन है ये दोनों है तो लोग करेगा लोग कुछ ना कुछ. तो इवनिंग खेला दिया है जब खेला स्टार्ट होने वाला है तो सबका इंट्रोड्यूस किया. अभी हम लोग थोड़ा मीटिंग किया सब मिलकर क्या करेगा अभी ये लोग का सबका मुश्किल है. हम लोग दो एक गर्ल हारने से कुछ नहीं है तो ज्यादा खाएगा तो मुश्किल. तो क्या खेल स्टार्ट हो गया. खेल स्टार्ट होके प्राय सिर्फ 10-15 मिनट में वो पोस्ट में हम लोग का एक गोल डाल दिया वाला पोस्ट में. तो डाल के हो गया तो हम लोग सोचे क्या करेगा अभी. हम लोग एक काम करेगा जब बॉल को फील्ड में नहीं रखेगा उसको बाहर में ही रख लेगा क्योंकि आएगा वो बाहर कर देगा. तो ऐसा हम लोग बोला ठीक है लेकिन जरा से मारामारी नहीं करना है ऐसा करके हम लोग खेलना पड़ा नहीं तो बहुत गोल खाएगा. फर्स्ट हाफ गया सेकेंड हाफ जरा नहीं है 5-7-6 मिनट ऐसा था खेलना खत्म होने का. 85th मिनट में शायद कुछ हुआ था तो वहां से वो लोग पहले काउंटर अटैक किया. काउंटर अटैक में हम लोग का कीपर सेव कर लिया वो कलीमुद्दीन अहमद बोल के था पकड़ के वो थोड़ा आगे निकाल गया. आगे निकाल करके वो ओवर थ्रू करके राइट ये बैक में था और पुलेंडर लाउन बोल के अच्छा। उसको दिया है. उसने किया क्या वही मतलब 1-2 टच में वो रिसीव करके दिया हाफ में भेज दिया कल्याण बोलो बोल के वो डायरेक्ट पूरा पेनिटेट थ्रो पास कर दिया राइट आउट में महेश मसारी बोल के एक लड़का था. ओके. तो जाके वो एकदम पूरा स्पीड विथ बॉल जाके वहां से माइनस किया है. माइनस किया वो को मालूम हो गया हम कहां में हम गया है तो बॉल आया हमारे पास रिसीव बाय गोल. That was awesome. I know. इतना वो मतलब मेजरमेंट से वो बॉल भेजा है वो ठीक हमारे इसमें आ गया ना इसमें रिसीव उठा लिया बस बोली गोल. Awesome. वो तो गया है. वो तो हो गया जैसे जैसे ड्रॉ कर लिया तो हैंगयांग यूनिवर्सिटी का कोच मैनेजर आके दौर के आ गया ना बीच में आके हमको खूब किस किया है बिकॉज यू सरप्राइज्ड ऑल ऑफ देम. तो बोला है कैसा हो गया ये सिर्फ 5-4 टच में हो गया गोल. वाओ. ये बात है ये कहानी जैसा है. Okay. से ये बात ज्यादा पूछता है क्योंकि आज तक वो लोग एक भी गोल इंडिया में नहीं खाया है. हम लोग एक लेके गया है. जिस जमाने में टीवी इंटरनेट नहीं था सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो का फुटबॉल मैच कमेंटरी के जरिए गिल्बर्टसन सांगमा एक हाउसहोल्ड नाम बन गया था और साथ में एक स्टार स्पोर्ट्समैन. हमारा समय में टीवी सीवी हम लोग साइट में गांव में तो नहीं था तो हम लोग रेडियो में सुनता था. यार देखिए 20-25,000 मनियर साये से. Those 25,000 or so spectators who were here would see the match, but lakhs of people are listening to the radio. The responsibility of the commentator was to bring the match alive in the minds of the listeners just by the commentary. क्या लोगों सस्ता कोई बोला? आपको एज अ फुटबॉलर रेडियो ने किस तरह से मदद किया या फिर यू नो वायरल किया टू कनेक्ट विद द ऑडियंस? हम लोग तो रेडियो में खेला है ना खेल तो रेडियो में खेला है. रेडियो ने हम लोग का हेल्प किया बहुत.
क्योंकि अभी बहुत आदमी इतने ऐसा ऐसा आदमी है गांव ऐसा शहर ऐसे में जगह है। कभी हम अगर किसी को बोलेगा नाम हमारा नाम बोलेगा सर अपनी अमुक निकी ऐसा समझ में बोल रहा है ना। अब वो आदमी है नहीं, हाँ हम लोग तो रेडियो में सुनते हैं, हम लोग तो रेडियो में बहुत सुना है आपका खेला, देखा तो नहीं है आपको जी, ऐसा भी होता है ना। तो रेडियो जब सुनता है तो उनका नाम ही निकलता है ज्यादा। हम लोग तभी से आइडल बना लिया, हम भी जब खेलूंगा तो उसका जैसे ही खेलूंगा। गिल्बर्टसन सांगमा के फुटबॉल करियर में उनकी वाइफ की बहुत योगदान है, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लिया, क्योंकि खेल और नौकरी की वजह से गिल्बर्टसन सांगमा घर से दूर रहा करते थे। As a father, like we didn't get much time to spend with him because he was much of the time away from home. So only we can see him once in a month or twice in a month whenever he comes home on vacations. But as a father, I think he has given us all that we need financially or even like morally, emotionally. He has given us all that we need. So as a father, I think he's good. You know, sir. Sir is a legendary footballer, and being a wife of a legendary footballer, there must be some plus points and minus points. So what do you want to say about it? I did not know much about his football after we got married during that time. But now, if you ask me, seeing the respect he is commanding from different sections of the society, makes me feel good about it. I was always very busy with the family, so could not find time. But now that I see him, how people love him and media wants him, makes me feel very proud about him. Gilbertson Sangma is an inspiration to the next generation of players. एक ऐसा प्लेयर जो बहुत ही मोटिवेशनल है। नया जमाना कलर का लोगों को हम लोग जब खेल में मिलता है तो लोगों यही बताता है कि गिल्बर्ट संगमा जैसा करो, कोचिंग मिलता है, इनपुट्स बहुत मिलता है, लेकिन आप लोग उससे भी आगे करने के लिए आप अपना भी इनपुट्स बनाना है। I don't know how much today's youths take sports seriously, but I think he used the prime time of his youth. He invested in something that is very valuable and precious. So I think this is one thing our youths can also learn from my father. That's what I feel the upcoming youths can learn from my father. You being a legendary footballer, what do you suggest ki kis tarah se fir se wo pehle jaisa mahol aayega football pe, hazaron mein bheed lagegi football dekhne ke liye? What are your tips and suggestions? Main shahar ka baat nahi bolta hu, ab jaake basti mein dekho, गांव में देखो कुछ हमें कैसा आदमी होता है खेल देखने के लिए। अगर बस्ती में अगर 2000 होगा या हमें 500 भी आदमी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसमें थोड़ा गलती है, मैं तो गलती ही बोलूंगा। तो ग्राउंड में वो लोग एक आदमी भी आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि वो लोग क्या करता है, हम लोग का ये बना लिया अपना अपना वो सोच विचार में वो कर लिया। तो ग्राउंड में लड़का क्या प्रैक्टिस करता है, क्या खाता है, कब सोता है, कैसा प्रैक्टिस करता है, कितना टाइम करता है, कितना बजे ग्राउंड में आया है, अगर वो लोग जब तक ये ग्राउंड में वो लोग अगर जब तक नहीं दिखेगा तब तक नहीं होगा। ये तो इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये तो टीम गेम है, इसीलिए वो टीम एक साथ प्रैक्टिस करना है। वो जिसने बनाया, जिस कमिटी का है, वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा वो लोग मीटिंग में बोलता है ऐसा अगर काम करेगा तो प्लेयर जरूर निकलेगा, कोई नो डाउट, आराम से निकलेगा। And that's our man with the golden word, footballer Gilbertson Sangma, who eats, breathes and lives football. जिन्होंने हमेशा जिंदगी में फुटबॉल को प्रायोरिटी दी, he chose sports over his family. And thanks to his family and credit goes specially to his wife, जिन्होंने एक दोस्त के तरफ से उन्हें बहुत मदद की, a best friend rather, जिनकी वजह से उन्होंने इस स्पोर्ट्स में काफी मुकाम हासिल किया। Yes, that's the legendary footballer in this episode, Gilbertson Sangma. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और चैलेंजर के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।